शिक्षो आज हम लोग जो हमारा पाठ है इकाई है वो फिफ्थ चैप्टर है और उसमें हम रक्त के बारे में, रक्त समूहों के बारे में, रक्त बैंक के बारे में, रक्त का आधान करना और आधान करते समय जो सावधानियां बरती जाती हैं या जो विभिन्न प्रकार की सावधानियां हैं रक्त को लेकर के मनुष्य अपने जीवन में उनको सावधानियों को बरत सकता है और बीमारियों से बच सकता है, उन सभी का हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो आज सबसे पहले हम लोग पाठ आरंभ करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि रक्त क्या होता है। रक्त का जो पूरा जिस तरीके से हम जान सकते हैं उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ब्लड, अब सबसे पहले बात उठती है ये कि रक्त क्या होता है। मान लीजिए हम लोगों को कहीं पर से चोट लग जाती है या कहीं से कट जाता है या कोई नुकीली वस्तु चुभ जाती है, तो शरीर में जो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होता है कि एक लाल गाढ़ा तरल हमारे शरीर से निकलता है और उसी को हम रक्त बोलते हैं। लगभग सब लोगों ने अपने जीवन में, सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो जो ये रक्त निकलता है प्रथम बात तो ये होती है कि शरीर के किसी भी भाग में चोट लगे, कोई भी भाग हो शरीर का, पहला कार्य यही होता है कि रक्त निकलता है। तो हम ये जानेंगे कि ये रक्त क्यों निकलता है और ये जो गाढ़ा तरल जैसा द्रव है क्या इसकी भी कोई संरचना है, क्या इसका भी कोई आकार है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जिस बर्तन में भी कोई तरल पदार्थ रख देते हैं, फ्लूइड मटेरियल रख देते हैं, तो वो भी क्या होता है कि वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। तो इस तरीके से तो हम कहेंगे कि ये तरल है और इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, परंतु चूंकि ये एक जैवीय द्रव है इसलिए इसकी सूक्ष्म संरचना क्या होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। इज देयर ओनली अ लिक्विड और समथिंग एल्स, व्हाट मटेरियल द ब्लड कंपोज्ड ऑफ, ये किस चीज से बना है। तो जिन लोगों ने भी, वैज्ञानिकों ने इसकी सूक्ष्म संरचना देखी, फिर ज्यादा अध्ययन हुआ तो ये पता चला कि वास्तविकता में इसकी भी एक संरचना होती है। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा देखें, रक्त की परिभाषा क्या होगी, तो वो एक कुछ एक दो शब्दों में वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, ब्लड is a fluid connective tissue, blood is a fluid connective tissue। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसकी सरल शब्दों में परिभाषा क्या होगी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब सारी इसकी संरचना जो है वह इस लाइन में समाहित है। कैसे सारी संरचना समाहित है, आइए देखते हैं। देखिए जो तरल है अर्थात
वो तरल क्यों है? अगर हम कह रहे हैं ऊतक है, तो जीव विज्ञान में ऊतक क्या होता है? ऊतक वह संरचना होती है जो कि कोशिकाओं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है और एक निश्चित कार्य करती है या कई सारे निश्चित कार्य करती है। तो अब दो चीजें आप समझे, यानी कि इसमें कोशिकाएं भी होती हैं और इसमें क्या होता है, तरल फ्लूइड भी होता है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। तरल वही होगा जिसमें जल होगा। तो अब हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है कि इसकी संरचना किस प्रकार की हो सकती है। जो मूलभूत बात है वो यही है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जरा हम रक्त के बारे में सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा रक्त होता है ये केवल मनुष्यों में ही नहीं होता है, जितनी कॉर्डेट्स हैं, यानी कि जितने भी जो हमारे कॉर्डेट्स हैं उन सब में यह पाया जाता है। यह शुरू होता है इसी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमलिया, और केवल कॉर्डेट्स ही नहीं, ऐसे कई सारे प्रोटोकॉर्डेट्स हैं जिनमें ये जो रक्त है वह पाया जाता है। बहुत सारे नाम हम लेंगे, कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, हार्डमेनिया वगैरह हैं उनमें भी होता है, केचुआ है उसमें भी होता है, और जो उसके आर्थ्रोपोड के इंसेक्ट हैं जैसे काकरोच उसमें भी होता है, और जो मोलस्क हैं उनमें भी होता है जैसे घोंघा हैं, सीप हैं, इन सब में होता है। परंतु अब हमें बात एक ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कॉर्डेट्स में रेड कलर का ही होता है, क्या जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें भी रक्त का रंग लाल ही होता है या और कुछ होता है? तो जब इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केचुआ जो है उसका रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, बाकियों का जो रंग है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया अभी हार्डमेनिया उसका ग्रीन होता है, इसी तरीके से मोलस्क का वो नीला होता है, और जब आप जानेंगे कि जो काकरोच है इसका रक्त का कोई रंग ही नहीं होता, रंगहीन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक विशिष्टता होती हैं। अब यहाँ पर विशिष्टता क्या है कि जो रक्त का रंग है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है। रक्त का रंग जैसे मैं कहता हूँ कि लाल है, सब जानते हैं आप लाल ही है, तो उसमें जो लालपन है, जो रेडनेस है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट यानी कि लाल वर्णक। कौन सा लाल वर्णक? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस वर्णक के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग लाल ही क्यों होता है, इसको थोड़ा सा जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें आयरन होता है, इसलिए इस रक्त का रंग लाल होता है। तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि मोलस्क के रक्त का, यानी घोंघा सीप वगैरह के रक्त का रंग जो है लाल क्यों नहीं होता है, क्या उसमें आयरन वर्णक नहीं होता है? हाँ, आयरन वर्णक नहीं होता है, उनमें क्या होता है, उनमें आयरन मिनरल नहीं होता है। उनमें कौन सा मिनरल होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? कॉपर, इसीलिए उनका रक्त नीला होता है। तो रक्त जो है उसका काम है, बहुत सारे काम है, ये सारी जो चीजें हैं वो उस काम को करने के लिए आवश्यक है। हम
लोग इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, और इसको आगे आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, और इसके बारे में हम लोग पूर्ण जब हम रक्त के कार्यों का वर्णन करेंगे तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ वर्ण का चित्र है। साथ ही में इससे पहले भी जो कुछ चीज़ें कही गई हैं उनका भी चित्र आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो वास्तविकता में अमेजिंग हैं, ये विस्मयकारी हैं। और इन चीज़ों से जो हमारी जिज्ञासा है वो बढ़ती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे कि रक्त का काम क्या है, पूरे शरीर में ये रहता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि रक्त जो है पूरे शरीर में क्यों रहता है और पूरे शरीर में कैसे रह सकता है। इसके लिए जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और वह मोटी, उससे पतली और सबसे पतली, यानी कि आर्टरीज, आर्ट्रियोल और कैपिलरीज, इस तरीके से एक पूरा जाल बना होता है शरीर के अंदर। और मजे की बात यह है कि एक प्रकार की जो नलिकाएं हैं वह हृदय से रक्त को लेकर के शरीर के संपूर्ण भागों में जाती हैं, और उन भागों से पुनः हृदय तक रक्त लेकर के कौन आता है, अलग प्रकार की वाहिकाएं जिनको हम वेन्स कहते हैं, शिराएं बोलते हैं। तो इतनी पतली पतली होती हैं ये रक्त, हृदय का जो काम है वो रक्त को पंप करना होता है, इसीलिए जो हृदय है वो पंपिंग स्टेशन कहलाता है। अब आप ये सोचिए कि आखिर रक्त पूरे शरीर में घूमता क्यों है, सर्कुलेट क्यों होता है, इसीलिए इस तंत्र का नाम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जब इस चीज को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका घूमना एक निश्चित कार्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह पूरे शरीर में घूमता रहता है। अब जो रक्त है उसकी जो मात्रा होती है वो विभिन्न विभिन्न जेंडर में, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्यों में बॉडी वेट का 7-8% तक रक्त पाया जाता है, यानी कि किसी का अगर नॉर्मल बॉडी वेट जो है वो 70 किलोग्राम है तो उसकी बॉडी में लगभग 5-6 किलो रक्त जरूर होगा। परंतु जब महिला की बात आती है, जहाँ पे फीमेल जेंडर की बात आती है, वहाँ पर यह रक्त जो है कुछ कम हो जाता है, केवल 4-5 लीटर तक ही रहता है। एक औसत मनुष्य के बॉडी वेट का जो रक्त होता है वो 1/13 रेशियो में ही रहता है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। आइए पुनः लौट के आते हैं अपनी पहले कही हुई बात पे कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। आप समझ गए होंगे, कुछ पिक्चर्स देखिए आप स्लाइड्स जो होती हैं, जो हम लोग लैबोरेटरी में स्लाइड्स बनाते हैं रक्त की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देखने का, आप उन स्लाइड्स को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं वो किस रूप में वास्तविकता में माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई पड़ती हैं। बहुत सारी इसमें जो कोशिकाएं हैं वो स्पष्ट रूप से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती हैं। आइए हम तो एक तरफ लिखते हैं तरल, तो एक भाग हमारा हो गया रक्त का तरल, और दूसरा क्या हो गया हमारा ऊतक वाला भाग हो गया, यानी कि एक भाग जो है हमारा वो है फ्लूइड। तो तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और जो ऊतक वाला भाग है वो क्या कहते हैं, सेल्स, सेल्स, यानी कि अब दो भाग हो गए।
तो रक्त क्या है? तरल और कोशिकाओं से बना हुआ संयोजी ऊतक है, जिसमें प्लाज्मा लगभग 60% होता है और जो सेल्स होती हैं वो 40% होती हैं। तो सबसे पहले हम कोशिकाओं की बात करेंगे। जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनका रक्त में होना क्यों होता है? तो मुख्य तीन तरीके की कोशिकाएं जो होती हैं वो रक्त में होती हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में सामान्य ज्ञान सबको है, क्या है? आरबीसी। दूसरा है WBC और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेट अब इनकी जो पूर्ण जो इनकी फुल फॉर्म है उसको जान लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो सबसे पहले हम लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में चार या पांच चीजें ही जानना महत्वपूर्ण होता है इन तीन कोशिकाओं के बारे में। वह बिंदु क्या है? सबसे पहला मैं लिखता हूं, शेप मतलब आकार। जो दूसरा आपको जानना है वो क्या जानना है? स्ट्रक्चर। तीसरा यानी संरचना। तीसरा जो है वो आपको क्या जानना है इनके बारे में कि जो इनका जो कार्य होता है फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है यानी इनका विशेष कार्य क्या है रक्त में। चौथा जो हमें जानना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी सिंथेसिस। और जो पांचवा हमें जानना चाहिए वो ये है कि इनका लाइफ स्पैन यानी कि इनका जीवन काल, लाइफ स्पैन। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए। चूंकि कोशिका है तो कोशिका का निश्चित आकार होता है, नहीं भी हो सकता है। आरबीसी का शेप कैसा होगा? अब देखिए आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, चित्र के माध्यम से देखिए, वह गोल होता है और बीच में यह जो गोल होता है वह दोनों तरफ से दबा रहता है, दोनों तरफ से दबा रहता है। तो इसका जो शेप है वह इसके कार्य को, जो इसका कार्य है उसको करने के लिए एकदम से मुफीद है, एकदम से सही है। कैसे यह हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसके अंदर आरबीसी के अंदर मैच्योर होने पर न तो कोई केंद्रक होता है और न ही कोई बड़े कोशिकांग होते हैं। केवल इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह एकोमोडेट रहता है, वह भरा रहता है। इसीलिए यह अपना कार्य, कौन सा कार्य? ऑक्सीजन को फेफड़ों से होते हुए शरीर की एक एक कोशा तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पुनः फेफड़ों तक पहुंचाना, यह
जो मुख्य कार्य है इसका वह बहुत भली भांति ये कर पाती है, क्योंकि अगर केंद्रक होगा और कुछ काम होंगे तो वह अपना कार्य नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। इसका कार्य मैंने बोल दिया, अब इसका बनना कैसे होता है? इसको बनना बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस। इसको अंग्रेजी में इनका दूसरा भी नाम है आरबीसी का, इनको एराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एराइथ्रोसाइट्स। इसीलिए जो ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका बनना क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस। कहाँ बनता है? जो बड़ी हड्डियां होती हैं, जो लार्जर बोन्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे फीमर, तो उसमें अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, तो वहां पर जो रेड बोन मैरो है वहां पर क्या होती रक्त को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं और उनसे ही इनका निर्माण होता है। अब एक सवाल ये उठता है कि जो बच्चे गर्भ में होते हैं, भ्रूण में होते हैं, उनकी तो हड्डियां कोई लंबी चौड़ी होती नहीं है, परंतु उनके शरीर में भी रक्त बनता है, तो फिर वो कहाँ बनता है? उसमें यह होता है कि उनका जो शरीर है उसमें जो लीवर यानी यकृत और जो प्लीहा यानी स्प्लीन होता है उसमें रक्त का यानी आरबीसी का निर्माण होता है। अब इनकी बात आती है जीवन काल। जीवन काल का मतलब ये होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं क्या बनती रहती हैं और मरती रहती हैं? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि इनको कार्य जो होता है वो बहुत जल्दी करना होता है। आप देखिए हमेशा ऑक्सीजन को ले जा रही है और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ले आ रही है। इस तरीके से एक एग्जॉस्टिव वर्क करने के ही लिए ये कुछ महीनों के लिए बनती हैं। तो कितने महीनों के लिए बनती हैं? औसतन 120 दिन तक, लगभग 4 महीने तक जो ये आरबीसी है उसका जीवन काल होता है। उसके बाद कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ग्रेवयार्ड, जो बॉडी की ग्रेवयार्ड यानी कि स्प्लीन होता है वहाँ पर ये टूट जाती है। पर अधिकतम ये जो है 127 डेज तक ही जिंदा रह सकती है, यानी कि इनका अधिकतम जो जीवन काल होता है वह होता है 127 डेज, और जो एवरेज लाइफ स्पैन है, जो औसतन जीवन काल है, वो है 120 दिन का। आप चित्र के माध्यम से देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप समझ पाएंगे। इनकी मात्रा यानी कि इनकी संख्या ब्लड के एक निश्चित भाग में कितनी होती है तीनों की, हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। जो WBC होती है उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनका शेप कैसा होता है? बहुत ही मजेदार है। इनका जो शेप होता है वो अनियमित होता है, और इनका जो अंदर का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? लार्जर होता है। जो इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो लार्जर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो WBC है वह किससे होती है? वह लार्जर होती है RBC से। उनमें जो केंद्रक होता है काफी बड़ा होता है, और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस कोशिका का निश्चित आकार नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं? अमीबॉइड टाइप, यानी कि अमीबा की तरह अनिश्चित आकार वाली। इनका शेप इररेगुलर, इनकी स्ट्रक्चर आप जान गए, बड़ी और न्यूक्लियस बड़ा होता है। इनका फंक्शन क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि, और आजकल
तो आप बहुत अच्छे तरीके जान ही रहे होंगे कि शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को रक्षा करता है विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं, रोगाणुओं और ऐसे पदार्थ जिनसे हमें बीमारी हो सकती है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो यह है कि यह एंटीबॉडी बनाकर, एंटीबॉडी एक ऐसा जो होता है वो बायोमॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी जीवाणु रोगाणु को या विषाणु को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो उसका निर्माण कौन करता है? WBC करता है एक तरीके से, यानी एंटीबॉडी के द्वारा हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, एंटीबॉडी पैदा करके। दूसरा होता है कि जब शरीर में चोट लग जाती है तो विभिन्न प्रकार की जो टूटी हुई कोशिकाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार का कचरा है, जो अन्य प्रकार के बड़े बड़े जो रोगाणु हैं, उनको एक प्रकार की जो फेगोसाइट्स होती हैं, जो भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो भी WBC होती हैं और वो उनको खा करके नष्ट करती हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर की रोगों से और बीमारियों से बचाती हैं, यानी हमारे शरीर को इम्यून रखती हैं। तो सेलुलर इम्यूनिटी किसके द्वारा होती है? सेलुलर इम्यूनिटी इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द WBC सिस्टम, ल्यूकोसाइट सिस्टम। किस कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड बाय इनगल्फिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव मटेरियल एंड रिमूविंग आउट ऑफ बॉडी। फिर इनकी सिंथेसिस कैसी होती है? इनकी सिंथेसिस भी कहाँ होती है? जो बड़ा जो बोन है उनके बोन मैरो में होती है। और इनका जीवन काल भी ऐसे ही 6 से 8 दिन के बीच में होता है। तो ये WBC है। आप चित्र के माध्यम से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। विभिन्न प्रकार की ये WBC होती हैं और विभिन्न प्रकार की इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक प्रकार की जो WBC है वो एक विशेष प्रकार का कार्य करती है। अगला हम आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पर। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो स्पाइनल शेप होती हैं। और ये कैसी होती हैं? ये सबसे छोटी होती हैं, स्पाइनल शेप होती हैं। इस प्रकार से ये इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कैसे ये बनती हैं? ये बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं उनसे टूट करके बनती हैं। इसीलिए एक इनका अलग नाम भी है, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है। और इनका जो मुख्य जो कार्य होता है वो चोट लग जाने पे, कट जाने पे आप देखते होंगे कि रक्त थोड़ी देर बहता है, अगर छोटी चोट लगी, छोटा घाव है, और उसके बाद बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? आप देखते हैं जहाँ चोट लगी वहाँ पर एक तरीके का क्लॉट बना हुआ है, थक्का जमा हुआ है, बना हुआ है। तो वो जो क्लॉट है कौन बनाता है? ये ब्लड प्लेटलेट्स बनाती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो अब बात ये आती है कि ये बाहर ही केवल हेल्प नहीं करती है, बाहर ही चोट लग जाने से, जब जो है थ्रोम्बोसिस होती है, शरीर के अंदर पतली पतली शिराएं या धमनियां होती हैं, तो वो कहीं से अगर उनकी लीक हो जाती है तो वहां पर क्या होती है? ये इकट्ठी हो जाकर के एक प्लग टाइप का बना देती हैं। जो प्लग टाइप का बना देती हैं उससे क्या होता है कि वो रक्त वहां रिसने से रुक जाता है। और जो ये रोक देती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें पूरा का पूरा अंदर से, आप चित्र के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से ये प्लग बनाती हैं जिससे कि रक्त का और ज़्यादा लीकेज ना हो सके। और इसके बाद में आपको पता चलता है कि जब
वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, तो एक तरीके का जो छोटा सा जो प्लग है वह क्या कहलाता है, थ्रॉम्बस कहलाता है। और कभी कभी थ्रॉम्बस का बनना वह बहुत ही नुकसानदायी होता है, हीमरेज हो सकता है, फट सकती है, पंक्चर हो सकती है। तो इस तरीके से ये एक सामान्य परिचय था। इनकी संख्या हम अभी नेक्स्ट में डील करते हैं। दूसरा जो हमने तरल बताया प्लाज्मा, इसमें विभिन्न अधिकतर जल होता है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, हार्मोन्स और जो एक्सक्रीटरी और सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद रहते हैं। आप लोग जो इस समय का समय है बहुत ही हमारे लिए मुश्किल का समय है, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना मरीजों का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और लगभग लोग बाहर भी निकल रहे हैं कुछ प्रतिबंधों के साथ में, तो सबसे ज़्यादा सावधानी रखने का समय यही है। अतः आप इस समय विशेष सावधानी रखें। धन्यवाद।